मरना है क्या बॉस? फ्रेंड्स, आप इस इंसान को जानते हो, यह है अनिकेत, मेरा फ्लाइंग बड़ी। हम इतनी साफ जगह में नहीं है, बट ये जगह फ्लाइंग के लिए बहुत ही जबरदस्त है। कब उड़ाएगा दोस्त, कब कब? एहे, रहा नहीं जाता। दिस इज ऑल अबाउट फन फ्लाइंग। क्रैश हुआ तो क्रैश हुआ, उड़ गया तो उड़ गया। सफेद, लाल और पीला, अनिकेत भाई का 3D प्लेन। Here I come. इसकी एक्चुअली मेडन फ्लाइट है भाई। प्रोपेलर कौन सा लगाया बताओ जरा? 8 इंच प्रोपेलर है। और मोटर? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1400 KV है। इसमें 4 सर्वोस, 2 एलेरॉन्स के लिए, 1 एलिवेटर के लिए और 1 रडर के लिए। तो अभी ये यहाँ, इसका आज मेडन फ्लाइट है। यहाँ पर कुछ बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पर कुछ धुआं निकल रहा है, लेकिन हमें उसका क्या, हमें तो प्लेन उड़ाना है। गजब बेइज्जती है। विंग स्पैन कितना है भाई? चीटिंग करता है तू। 3D प्लेन्स का फ्रेंड्स जो कंट्रोल सरफेस होता है वो नॉर्मल हमारे प्लेन्स से थोड़ा बड़ा होता है, बिकॉज इसमें हमें कुछ एरोबेटिक स्टंट्स करने होते हैं, जैसे रोल हो गया, इन्वर्टेड फ्लाइट हो गई है या हवरिंग हो गया है, तो उसके लिए कंट्रोल सर्फेसेस बहुत बड़े दे रखे हैं। दैट मेक्स दिस प्लेन इजी टू मनूवर। कोई भी प्लेन उड़ाने जाओगे तो उससे पहले उसका CG प्रॉपरली चेक करना जरूरी है, बिकॉज अगर आपके प्लेन का CG प्रॉपर नहीं होगा तो आपका प्लेन 101% क्रैश करेगा। अगर CG पीछे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे है, मतलब प्लेन टेल हैवी है, तो 100% क्रैश करेगा। प्लेन अगर नोज हैवी है तो आपको कंट्रोल करने में बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा। तो CG सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड फैक्टर है कि मोटर और उसकी थ्रस्ट, पूरे प्लेन के वेट को इंक्लूडिंग बैटरी लिफ्ट करना जरूरी है। तो इतना थ्रस्ट उस प्लेन में चाहिए, उस मोटर की उतनी थ्रस्ट चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले प्रोपेलर चूज करो प्लेन के अकॉर्डिंग, उसके बाद मोटर चूज करो और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, फिंगर क्रॉस्ड। और उड़ाने से पहले ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, कंट्रोल सर्फेसेस चेक कर लो, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और उसके बाद विंड्स। विंड्स तो बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, कोई भी हल्का सा टुकड़ा लेने का और उसे हवा में फेंक देने का। ओह, ये तो मेरी तरफ आ रहा है। ओके, वहाँ पे है विंड, मतलब वहाँ से आ रही है। रुको जी, रुको। ओके, हम तो रेडी है फ्लाई करने के लिए। मेडन फ्लाइट 3D। आराम से। और दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर ये हो गया है प्रॉपरली टेक ऑफ, सक्सेसफुल टेक ऑफ। मस्त हमारा प्लेन फ्लाई कर रहा है। कंट्रोल थोड़े एग्रेसिव है, गया। और ये कंट्रोल क्रैश किया है। मेडन फ्लाइट में हमेशा ऐसे होता ही है। प्लेन बिल्कुल सही सलामत है, प्लेन का बिल्ड ही वैसा करते हैं हम लोग। टेप्स हमेशा यूज करनी चाहिए। अभी इसको थोड़ा सा वापस चेक करेंगे, कंट्रोल सर्फेसेस एंड ऑल, और उसके बाद वापस से इसका सेकेंड टेस्ट करेंगे। तो थोड़ा एडजस्टमेंट के बाद मिलता हूँ मैं आपसे वापस। A few moments later. और फाइनली अनिकेत भाई के प्लेन उड़ गए। जबरदस्त अनिकेत भाई, बैटरी वही है ना? चलो, मतलब बैटरी है हमारे पास और एक्स्ट्रा। सॉरी, शॉट कहीं कहीं आ नहीं रहे। ओ, यहां पर हो गया है रोल, और वो रहा असली प्लेन। और यहाँ पर है स्लो 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 स्लो, और ये लेफ्ट टर्न ले लिया है अनिकेत भाई ने। प्लेन तो बहुत ही ज़बरदस्त उड़ रहा है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल बोल सकते हैं कि मेडन फ्लाइट इज सक्सेसफुल। थोड़े से एडजस्टमेंट्स के बाद, और यहाँ पर अभी होने वाली है फर्स्ट लैंडिंग, उसके बाद हमारा व्लॉग हो जाएगा ख़त्म, और मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा।